चाइना में लिटरली भाई पनिशमेंट के तौर पे चाइनीज वाटर टॉर्चर का यूज किया जाता है। तो इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करने से मेरे को पता चला कि ये एक बहुत ही टफ चैलेंज होता है, जिसको चाइना में पुराने जमाने में सख्त पनिशमेंट के तौर पे यूज करते थे, क्योंकि भाई काफी लंबे समय तक सर पर एक एक बूंद पानी गिरने से हम माइंडली टॉर्चर होते हैं, जिससे हमारे दिमाग में काफी बुरा असर पड़ता है। तो आज मैं इसे ट्राई करूंगा और देखूंगा कि मैं इसे कितनी देर तक कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने बोतल के ढक्कन में छेद करा और इसे एक टेबल पे रखकर इस टॉर्चर की तैयारी कर ली। तो अब स्टार्ट करते हैं चाइनीज वाटर टॉर्चर। शुरू में तो मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था, बट मेरे को पता था ये धीरे धीरे बहुत ही टफ होने वाला है। और जैसे जैसे ये एक एक बूंद मेरे सर पर गिरी थी तो मेरे दिमाग में बहुत ही स्ट्रेन पड़ रहा था, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था ये मैं कितनी देर से कर रहा हूँ। फिर ये सारा पानी मेरी आंखों में जाने लगा, जिससे मेरे को फेस पर इचिंग स्टार्ट हो गई। बट मेरे को ये क्विट बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन धीरे धीरे मेरा माइंड मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था, और मैंने ये पूरा 1.5 घंटे में क्विट कर दिया।